सलमान खान की फिल्म रेस थ्री का पहला सॉन्ग हो गया है रिवील। हेलो गाइस, मैं हूं ज्योति और आप हैं संस्कृति प्रोडक्शन के बॉलीवुड टेशन चैनल पर। क्या हुआ, चौंक गए या फिर आपकी एक्साइटमेंट बढ़ गई है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि इन दिनों सलमान खान की फिल्म रेस थ्री सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग फिल्म बन चुकी है और हर तरफ बस सलमान खान की ही चर्चा हो रही है। दोस्तों, मुझे पता है कि आप भी सलमान खान की फिल्म रेस थ्री के लिए काफी एक्साइटेड है ना? अब रेस थ्री में सलमान खान है, वो भी ढेर सारे एक्शन और स्टंट्स के साथ, तो ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होना तो बनता ही है। वेल, सलमान खान स्टारर फिल्म रेस थ्री इस साल ईद के मौके पर यानी कि 15 जून को रिलीज होने वाली है और इस फिल्म के रिलीज होने में बस रह गए हैं कुछ ही दिन। जिस तरह इस फिल्म को लेकर फैंस के बीच एक्साइटमेंट है, उसे तो यही लगता है कि ये फिल्म सभी का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये फिल्म जल्द ही एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने वाली है और वह इस साल का रोमांटिक ट्रैक का रिकॉर्ड। क्या आपको सलमान खान का रोमांटिक अंदाज पसंद है? हाँ, तो ये जानते हैं हमारे एडिटिंग हेड ऋषि जी से। ऋषि जी, क्या आपको सलमान खान का रोमांटिक अंदाज पसंद है? जी बिल्कुल, बहुत पसंद है। अच्छा, उनका कौन सा रोमांटिक सॉन्ग आपको बहुत अच्छा लगता है? एनी टाइम टाइगर जिंदगी का जो गाना आया था, आतिफ असलम ने गाया था, दिल दिया गलना। अच्छा, तो और रेस थ्री के लिए कितने एक्साइटेड है? बहुत एक्साइटेड, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ओके, तो लोग आए, सलमान खान का जो रोमांटिक अंदाज सभी को पसंद है, तो अब सलमान खान अपने रोमांटिक अंदाज में जल्दी आप सबके सामने हाजिर होने वाले हैं। बता दें कि सलमान खान की फिल्म रेस थ्री का पहले सॉन्ग के बारे में कर दिया है रिवील। फिल्म रेस थ्री का पहला सॉन्ग खुद लिखा है सलमान खान ने। जी हाँ गाइस, सही सुना आपने, इस सॉन्ग को लिखा है सलमान खान ने और सॉन्ग को अपनी आवाज देंगे आतिफ असलम। जी हाँ, ब्लॉकबस्टर फिल्म टाइगर जिंदा है के रोमांटिक सॉन्ग दिल दिया गल्ला के बाद अब सलमान खान की फिल्म रेस थ्री में आतिफ असलम अपनी आवाज देंगे। आतिफ असलम की आवाज और सलमान खान के अल्फाज, माशाल्लाह क्या तगड़ा होने वाला है। हमें उम्मीद है कि दिल दिया गल्ला सॉन्ग की तरह ही ये सॉन्ग भी चार्टबस्टर साबित हो। बता दें गाइस कि ये रोमांटिक ट्रैक होने वाला है शो जिसे कोरियोग्राफ करेंगे रेमो डिसूजा। जी हाँ गाइस, ये फैंस के लिए किसी तोहफे से तो बिल्कुल भी कम नहीं है। एक और है आतिफ असलम की आवाज, दूसरी और सलमान खान के अल्फाज और तीसरी और इंडिया के सबसे बड़े कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा की कोरियोग्राफी। जी हाँ, ये ब्लॉकबस्टर सॉन्ग होने वाला है। इस सॉन्ग को अबू धाबी में शूट किया जाएगा और ये सॉन्ग में सलमान खान कुछ रोमांटिक अंदाज में नजर आएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सलमान खान की फिल्म रेस थ्री की पूरे स्टार कास्ट का लुक और नेम रिवील हो गया है और रेस थ्री का फैमिली पोस्टर भी रिलीज हो गया है, जो कि काफी अमेजिंग है। तो दोस्तों, इस रोमांटिक सॉन्ग के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं, साथ ही रेस थ्री के लिए कितने एक्साइटेड हैं, ये हमें जरूर बताइए नीचे कॉमेंट सेक्शन में। और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे संस्कृति प्रोडक्शन के बॉलीवुड टेशन चैनल से। Please subscribe Bollywood Tashan. Also, don't forget to press the bell icon and never miss any filmy Bollywood update. Stay with us.